राजस्थान के बारा छिपाव दौड़ में इन दिनों लंबे समय से अकलेरा से लेकर बारा तक नेशनल हाईवे रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसको लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं होने के कारण इस रोड की हालत रोजाना बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी इस रोड की हालत सुधारने के लिए अब तक कोई भी सामने नहीं आया है। जबकि इस नेशनल हाईवे सड़क से छबड़ा छिपाबदौड़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ समेत दर्जनों अलग अलग दलों के पदाधिकारियों और अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया गया है। को लेकर इन दोनों राजस्थान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में अपनी हाड़ौती भाषाओं की छाप टोकने वाले हाड़ौती कॉमेडियन गोपाल सिंह सोलंकी ने नेशनल हाईवे सड़क को लेकर हुई बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा। जी नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह सरोया, आप देख रहे हैं मेरे साथ टीवी भारती न्यूज चैनल। आज हमारे साथ है हाड़ौती कॉमेडियन के बादशाह श्री गोपाल सिंह सोलंकी से। आज हम जानना चाहते हैं कि ये जो अट्रू बारा जो नेशनल हाईवे की जो रोड की जो हालात है, इस हालात के ऊपर इन्होंने भी कई बार अपने हाड़ौती चैनल के माध्यम से लोगों को, सरकार को जागरूक किया, बताया। तो हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये इस रोड से क्या परेशानी है, किस तरीके की परेशानी आती है, तो जी कुछ जानकारियां दीजिए सर। मित्रों, सबसे पहले तो आप सब लोग आपको बहुत बहुत मेरी टीम की तरफ से, सबकी पूरी टीम की तरफ से आप लोग आगे राम राम। और जैसे कि भाई साहब पूछ रहे थे भाई रोड आप लोग खराब जो तुम तो कहीं समस्या आ रही है, तो देखो एक सामान्य सी बात है कि रोड अगर खराब रहते तो आम जनता के ताई थोड़ी सी समस्या हो ही है, लेकिन दुविधा अतनी सी से साहब रोड की कंडीशन अगर आप एक बार आकर देख लियो तो शायद ही आपने कोई दूसरा खराब रोड हो कहाँ कहाँ मतलब हो, मतलब इतना बड़ा बड़ा गड्ढा हो रहा है, आए दिन मतलब दुर्घटना हो जो आपने सुना था, तो मतलब न होनी चाहिए साहब। चलो नयो रोड तो बना, जब बन जाओ कम से कम की मरम्मत हो जाओ, तो ताकि ये आम जनता पर अपनी गरीब जनता जो परेशानी आप जब मन लो। और आज को बोले तो आप काफ़ी समय हो गया, तो मैं तो यही आशा कर रहा था भाई जल्दी से जल्दी रोड जो बन जाओ, ताकि बेचारा रात बरात वहाँ पाड़ा, अब देखो सभी तरह का वाहन जाओ, तो बड़ा भी जाओ तो छोटा भी जाओ, तो मोटरसाइकिल भी जाओ, तो अब बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया बरसात में तो बहुत बड़ी समस्या होती साहब, कि एकदम तो गड्ढा में पानी भरे रह जो तो दिखे ही बोलने को। और अब तो मतलब मांगे यहाँ की तो याद है कंडीशन होगी, कोई कोई पावड़ा फिर भी आता होना तो हाल फिलहाल कहते हैं भाई रुक जाओ, आज थोड़ा दिन माँ को रोड बन जाएगा दियो उनके पास आ जाओ, तो इस तरह का है। तो अपन तो मतलब यही निवेदन करवो चाहूँगा कि भाई जितनी जल्दी हो सके नहीं रोड न तोड़ो, नहीं तो बड़ा को जब बन जाओगे पानी का वो जो थेकड़ा वाली पद्धति रहते ना, जब थेकड़ा लगावा जा, अब यार गरीब गरीब लोग रह तो वो कहेंगे क्योंकि सर अंदर नया कपड़ा लेबा की तो कहेंगे रहते थेकड़ा लगा ले तो काम चल जाओ तुम, तो यह भी हो सके साहब अच्छी कोई बात बोले भाई हाल फिलहाल थेकड़ा ही लगवा दियो, ताकि ये जो जनता ने समस्या आ रही है ना, और फिर बढ़िया बन जाओ जब बड़ा वो बढ़िया सी सी बनो फिर हमें दिक्कत ना। तो अतनो तो ये कहो तो आपने तो बाकी तो मैं तो अतना दिन आती प्रयास कर रहा था, यही ऐसा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी बढ़ जाओ। और माँ का चैनल से साहब हाड़ौती कॉमेडी जे राजस्थान गोपाल सोलंकी का नाम सो, तो आप लोग मतलब जो अपना हाड़ौती क्षेत्र का लगभग लगभग आपको प्यार और सुने बहुत बढ़िया माँ का टाइम मिल रही हो, और आगे भी यही चाहता है साहब का। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।